हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो पूनम की अम्ब्रेला मशीन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले पूनम की अम्ब्रेला मशीन पे हम लोग गोल मॉडल पे वीडियो बना चुके हैं। जैसे इसको गोल मॉडल बोलते हैं और इसको हम लोग चौकोर मॉडल बोलते हैं। थोड़ा बॉडी इसकी स्क्वायर होती है। गोल में हम लोगों ने ब्लैक और ग्रे पर बनाया हुआ है और ये जो चौकोर अम्ब्रेला आती है ये ग्रे कलर की आती है फ्रेंड्स। तो आप पूनम के कार्टून पे देखेंगे इंडस्ट्रियल स्विम मशीन 95T10 स्क्वायर मॉडल ये मशीन है। यहाँ देखेंगे मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स पूनम एक्सपोर्ट्स और ये लुधियाना से बनके मशीन आती है। तो लुधियाना का ये ब्रांड होता है। ये पूरी कम्प्लीट मशीन है पैक में। 17 kg इसका ग्रॉस वेट होता है कार्टून के साथ पूरा। पैकिंग बहुत अच्छी देते हैं पूनम वाले। इनकी हर मशीन की पैकिंग बहुत अच्छी होती है और मशीन भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आप खोलिए। पूनम का हर तरह का डोमेस्टिक मशीन का भी रेंज होता है। पूनम का इंडस्ट्रियल मशीन का भी पूरा रेंज है और सभी मशीनें इनकी बहुत अच्छी हैं। सभी पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप गोल का भी वीडियो देख सकते हैं और चौकोर का तो ये वीडियो है ही। बाकी घरेलू मशीन का भी हमने बनाया हुआ है। पूनम की बैक क्लोज़र के ऊपर भी बना चुके हैं हम लोग। पूनम की घरेलू मशीन पे भी बनाए हुए हैं, ओवर लॉक पे भी बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि कोई तरह का ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज नहीं होता है मशीन के अंदर। पूरी थर्मोकोल पैकिंग के अंदर मशीनें आती हैं और इसी तरह हम लोग भी भेजते हैं। कहीं पे भी मशीनें जाती हैं तो इसी तरह थर्मोकोल पैकेजिंग में आपके घर तक पहुंच जाती है। पूरा सील पैक रहता है। ये इसके ब्रेक सेट होते हैं, घुटने होते हैं इसके। इसको हम लोग किनारे रख लेते हैं। ये पूरी थर्मोकोल में होती है। अभी टूल बॉक्स और बुक्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरी इसी तरह थर्मोकोल में रहती है मशीन। स्क्वायर मॉडल की मशीन है फ्रेंड्स। ये हर चीज़ अलग अलग आता है। देखिए ये जो छेद होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जब मशीनें आप चलाते हैं ना तो मशीनें उछलती हैं मोटर वगैरह से। तो कंपनी इसीलिए देती है कि इसमें आप पतले सुतली लगा करके बांध करके और नीचे फिर पौधान के ब्रेस में उसको बांध दे तो मशीन उछलेगी नहीं, आप निकाल दीजिए। इसीलिए यहाँ पर छेद दिया होता है। ठीक, प्लास्टिक उतार दीजिए। गोल और चौकोर में फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं होता है। लोगों की अपनी पसंद होती है। किसी को देखने में ऐसी गोल मशीन अच्छी लगती है, ये अपनी गोल हो गई, और कोई और कस्टमर होते हैं तो उनको ऐसी स्क्वायर मॉडल अच्छी लगती है। तो ये अपनी सिर्फ पसंद होती है। क्वालिटी का कंपनी की तरफ से कोई फ़र्क नहीं होता है गोल और चौकोर मशीनों में। और जैसे गोल देखने में खूबसूरत लगती है, वैसे ही आपकी स्क्वायर मॉडल भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है मशीन। तो चौकोर मॉडल को भी 95T10 बोलते हैं। ठीक है, इसका आप चक्का लगाइए। ये जब भी मशीनें फ्रेंड्स आती हैं पैकिंग में ना, तो इसके चक्के निकले होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में पटकाने में कहीं अगर चक्का लगा रहेगा तो पटकाने में क्या है, यहाँ से ये टेढ़ा हो जाएगा तो फिर आपकी मशीन जब चलेगी चक्के थोड़े टेढ़े मेढ़े से भागेंगे। तो इसीलिए कंपनी निकाल देती है। इसको लगाना आसान होता है, या आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। जब तक लग रहा है तब तक हम आपको इसका जरा टूल बॉक्स प्लास्टिक खोल दें।
बुक्स होती हैं, ऐसे बुक कोई पढ़ता होता है नहीं, सभी लोग को चलाने का ढंग होता है, जिनको नहीं भी चलाने का ढंग होता है शुरू में थोड़ा परेशान होते हैं, पर धीरे धीरे चलाते चलाते सब समझ में आने लगता है। ये ब्रेक सेट होता है घुटना, ये इस घुटने को पटरे में कसा जाता है और नीचे पैर से जब आप ऐसे राइट हैंड साइड में पैर से मारते हैं तो इसमें क्या होता है कि अपने आप ऐसे चापा ऊपर उठ जाता है। तो जैसे आपको सिलाई घरेलू मशीन में चापा उठाना पड़ता है हाथ से, इसमें अगर ये नीचे लग जाएगा तो अपने आप ये चापा ऐसे नीचे से उठने लगता है ऐसा, और जब कसाएगा तभी उठेगा आपका, ये अपने आप ऐसे उठ जाता है। उसी हिसाब से सिस्टम दिया होता है। टूल बॉक्स भी बहुत अच्छा देते हैं पूनम वाले, आप देखेंगे इसमें ये इसका थ्रेड स्टैंड होता है, थ्रेड रखने वाला स्टैंड, इसमें धागे लगाए जाते हैं, आमतौर पे लोग इसको इंडिया गेट बोल देते हैं। ये भी स्टील का दिए हुए हैं। ये आपकी तेल कुप्पी होती है, इसमें पेचकस भी बहुत अच्छा देते हैं, दोनों पेचकस अच्छी क्वालिटी का है, एक आपका बॉबिन केस की पत्ती के लिए होता है और एक शटल खोलने के लिए होता है, और ये आपका निडल होता है बॉबिन। आमतौर पे ऐसे बॉबिन दो ही पीस सभी लोग देते हैं, लेकिन इसमें आपको चार बॉबिन भी पूनम वाले दे देते हैं। या आपने चक्का लगा लेना है, एक मिनट बोलिए, ये चक्का लगा करके स्टॉप मशीन लगा करके टाइट करके थोड़ा सा इसमें ये छेद में ना आपको हल्का सा हथौड़ी से मार देना है, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके घूम जाता है तो पकड़ लेता है। और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें अनबॉक्सिंग में मैंने दिखाया हुआ है चक्का कसते हुए, इसको भी लगा दीजिए ताकि मशीन का पूरा खूबसूरत लुक दिखे सामने से। अम्ब्रेला मशीन और घरेलू मशीन में क्या फ़र्क होता है फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसमें उषा की मशीन के में हमने अम्ब्रेला मशीन रख के और घरेलू मशीन रख करके फ़र्क बताया हुआ है कि अम्ब्रेला मशीन और घरेलू मशीनों में क्या फ़र्क होता है, तो डिटेल में आप वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगती है मशीन, आपका बॉबिन वाइंडर ब्लैक कलर का है, चक्का ब्लैक यहाँ से दिया होता है, इसमें ये अपना टेंशन ब्लैक कलर का दिया है और इसमें मत्था जो है ब्लैक कलर का दिया हुआ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, नट वगैरह भी ब्लैक कलर का दिए हुए हैं सर, चापा भी आप देखेंगे हैवी वाला चापा लगा हुआ है इसमें। बोलिए जब मशीन पलट दीजिए, मशीन पलट के भी आपको दिखा देता हूँ, हाँ नीचे से भी जैसा धीरे से लग दीजिए, ये मशीन होती है, इसमें आप देखेंगे बॉडी पे, क्योंकि कंपनी का इतना लार्ज स्केल पे काम है तो पूरा बॉडी वगैरह पे नाम भी दिया रहता है और पार्ट्स पे भी नाम दिए होते हैं, जो कंपनी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो सब नाम इसमें ढले होते हैं उनके। अब जो छोटी कंपनियां हैं तो वो लोग बॉडी पे या पार्ट्स पे नाम नहीं ढलवा पाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो सामान ख़राब होते हैं, कंपनी की चीज़ है तो उसकी पहचान एक होती है। शटल फ्रेंड्स हमेशा कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग लगाती है, कभी TL लगा रहेगा, कभी देखिए इसमें ये तो कौन सा है, ये शटल मनोज जी, ये शटल कौन सा है जरा बताना, तो इसमें TL का आता है, मेसर का आता है, और ये कौन सा शटल है, ये MJ, अच्छा MJ, ये MJ का शटल है। तो जो शटल अच्छा चलता रहता है वही कंपनी लगा देती है, एक ज़माना था इसमें RK का शटल बहुत चलता था, मशीन सीधी कर, तो हर कंपनी RK का शटल डालती थी, कस्टमर भी डिमांड करते थे RK के शटल की, पर अब जो है ज़्यादातर शटल जो है TL के, MJ के, मेसर के, ये तीन शटल हैं जो चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक वीडियो था चौकोर मॉडल का, हमने कभी बनाया नहीं था, आज आई हुई थी तो हम लोग खाली भी बैठे हुए थे तो वीडियो बना दिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो जो है लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, पहली बार बोला हूँ लाइक करने के लिए आप लोगों को, ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, शुक्रिया।